ये देखिए, आज हमने ही हाई नेक कॉलर बनाया है और ये मेरे से रिक्वेस्ट की थी नादिया अहमद ने। ये स्पेशली मैंने उनके लिए बनाया है। और जो हमारी ये बाजू की वीडियो है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हमने किस तरीके से बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हाई नेक कॉलर की कटिंग करना बताऊंगी, किस तरीके से हम उसकी कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। जिसके लिए देखिए, ये मैंने कुर्ते की कटिंग पहले से ही कर ली है। ये कुर्ते की कटिंग नॉर्मल है। सिर्फ हमको जैसे नॉर्मल कुर्ती में तो हम 7 इंच लेते हैं इसका तीरा शोल्डर, लेकिन इसमें हमें 8 इंच लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हम कॉलर लगाते हैं तो हमारे खिंचाव पड़ता है। इस वजह से हमें ये 8 इंच लेना पड़ता है। बाकी सब सेम कटिंग है इसकी। देखिए, जितनी भी आपकी लेंथ, चेस्ट, कमर, हिप इतने हैं, उसका 1/4 भाग करके 2 इंच उसमें प्लस कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इसके गले की कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको सिलना बताएंगे किस तरीके से हम सिलेंगे इसको। अब देखिए, सबसे पहले हम गले की चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई हम गले की लेंगे 2.5 इंच। ये हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो इसकी लंबाई लेंगे वो हम 3 इंच लेंगे। और देखिए, यहां से इसको हम इस तरीके से गोल शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक है, इसकी हमने गोल शेप दे दी। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। सवा 3 या 2.5 इतना आप इसको रख सकती हैं, ज्यादा ना रखें क्योंकि कॉलर में कम ही लेते हैं हम ये। अब ये हमारी फ्रंट गले की कटिंग हो गई। अब देखिए, अब जो हम जितनी भी इसमें लंबाई रखेंगे, जैसे हम तैयार लंबाई इसमें 7 इंच रखेंगे, तो यहाँ बैठ रहा है हमारा 7 इंच इस साइड। तो देखिए, यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, जो हम इसमें फ्रंट गले में शेप देंगे उसके लिए हम कुछ इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो देखिए, ये निशान हमारा 4 इंच लंबाई है इसकी, और इसकी 1.5 इंच चौड़ाई है। अगर आप इसे और थोड़ा चौड़ा रखना चाहती हैं तो आप 2 इंच ले सकती हैं। अब ऐसा ही पीस मैं एक बुकरम पे कट करूंगी। अब देखिए, मैंने बुकरम का पीस लिया है। अब जितनी भी हमारी ये लंबाई और चौड़ाई है, उतनी हम, जैसे देखिए हमारी ये 4 इंच है, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे ही निशान लगाएंगे इस तरीके से। और जैसे हमारी ये जो इसकी चौड़ाई है वो 1.5 इंच है, तो हम यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और फिर देखिए, इसमें हम कुछ इस तरीके से शेप डालेंगे, इस तरीके से। ऐसे शेप डालने के बाद जो हम मार्जिन रखेंगे वो इसमें हम 1-1 इंच का मार्जिन रखेंगे इस तरीके से। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, ये हमारा इस तरीके से कट के तैयार हो चुका है। ये हमारा देखिए, अब बिल्कुल इसी के बराबर है। देखिए इस तरीके से, ऐसे। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जब होगा तो उसको हम बाद में कटिंग कर देंगे। अब हम इसको किसी रफ कपड़े के ऊपर सिलना बताएंगे आपको। अब देखिए, मैंने ये कपड़ा लिया है और कपड़े को मैंने इस कपड़े के ऊपर सेट कर लिया है बुकरम को, और एक पिन लगा ली है। अब मैं देखिए इसमें सिलाई लगाऊंगी। अब देखिए, अब मैं इस एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर दूंगी। और उसके बाद इसको मैं इस पे फोल्ड कर लूंगी।
देखिए इस तरीके से हम इसे पूरे कपड़े को फोल्ड करना है। इस साइड से भी हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। अब देखिए इसका सेंटर निकाल लिया है मैंने इसको फोल्ड करके, और एक बीच में निशान लगा लिया। इसी तरीके से हमने कुर्ती में भी लगाया है निशान। ये देखिए कुर्ती का भी हमने सेंटर निकाला हुआ है। ये कुर्ती का सेंटर है और ये कुर्ती की सीधी साइड है। तो देखिए सीधी साइड हम इसको इस तरीके से रखेंगे बिल्कुल मिला के इससे। ये निशान और ये निशान हमारा आपस में मिलना चाहिए। अब एक बीचा बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। और ये लगाने के बाद हम इसे चारों तरफ से सिलेंगे। फिर हम इसे उल्टी साइड पलट देंगे। तो देखिए हम यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। ये धागे वगैरह कट करके अब देखिए हम ये बीच का कपड़ा कट कर देंगे। और इसको हम उल्टी साइड पलट लेंगे और उसके बाद इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारी सिलाई ना कटने पाए इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब देखिए हम इसे इस तरीके से करके एक कट हम अच्छे से इस कोने पे लगाएंगे। अब इसको हम उल्टी साइड पलट देंगे। देखिए इस तरीके से उल्टी साइड पलट के और एक सिलाई लगा लेंगे हम इसके ऊपर। इसे आप प्रेस से भी सेट कर सकती हैं। अब मैं ये सिलाई लगा के इसको देखिए यहां तक पूरा कंप्लीट कर लूंगी। अब ये देखिए मैंने ये गला पलट के इसको सीधा कर लिया है। अब हम इसका तीरा जॉइंट कर लेंगे। देखिए तीरा जॉइंट करने के लिए हम बैक पार्ट को रखेंगे और बैक पार्ट में हमने एक थोड़ा सा गला कट करना होता है, सिर्फ हाफ इंच का। देखिए हल्की सी गोलाई देनी होती है, वो मैंने कट कर ली है इसमें। हम इसका तीरा जॉइंट कर लेंगे। हमारी ये भी सीधी सी साइड होनी चाहिए और ये भी सीधी साइड। और देखिए इस तरीके से हम इसका तीरा जॉइंट करेंगे बिल्कुल बराबर मिला के शोल्डर को। देखिए दोनों तीरों को हम इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। अब हमने तीरा ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसका गला नापेंगे। अब देखिए हमने ये गला बना लिया है। अब हम इसका कॉलर नापेंगे कि इसका कॉलर कितना बैठ रहा है। तो देखिए हम यहाँ से नापना चालू करेंगे। तो देखिए हम इस तरीके से नापेंगे, खींचना नहीं है बिल्कुल भी कुर्ती को, कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, हल्के हल्के हाथ से ही नापना है इसको। तो ये देखिए ये हमारा 15.5 इंच का कॉलर तैयार है।
15.5 इंच का कॉलर हमारा कट के तैयार है। तो हम बुकरम को देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये बुकरम हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसको हम ये हमारी कटिंग में निकल जाएगी। ये हमारी 16 इंच है, तो आधा इंच ज़्यादा है बस ये। अब इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे देखिए इस तरीके से। अब हम पहले यहाँ पे निशान लगाएंगे आधा इंच पे, और इन निशान को हम ऐसे सीधा कर देंगे बिल्कुल। फिर एक निशान और लगाएंगे हम 1.5 इंच पे, इस निशान को भी हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। और फिर देखिए हम इसमें कुछ इस तरीके से गोलाई देंगे। जितनी हमारी एक्स्ट्रा थी देखिए, यहाँ से हमारी एक्स्ट्रा थी तो वो हमारी निकल जाएगी, और यहाँ से हम इस तरीके से ऐसे और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहां से भी इस एक्स्ट्रा बुकरम को निकालेंगे देखिए, जो हमारी 1/2 इंच थी। अभी देखिए ये हमारा कॉलर कट के तैयार हो चुका है। अब इसके लिए हम एक कपड़ा लेंगे। अब देखिए ये मैंने डबल कपड़ा लिया है, मतलब कपड़ा लिया है मैंने, ये कपड़ा मैंने 5 इंच चौड़ा लिया है। ये कपड़ा हमें बुकरम से ज़्यादा लेना होता है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब देखिए हम इसको इस तरीके से, जो हमारा हल्का सा कर्व है ये हमें ऊपर की साइड रखना है। अब इस तरीके से देखिए हम बुकरम को रख के और एक सिलाई लगाएंगे। ये कॉलर दो प्रकार से बनते हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ कॉलर बनाने का, से आप बना सकते। और इसके बाद देखिए ये जो हमारा कोने पे से एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से। और देखिए इधर से भी हम कपड़ा कट करेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरीके से। सीधा करने से पहले देखिए हम एक साइड के कपड़े को कट करके इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा कपड़ा पहले कट कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा है इधर। अब इसको हम इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये नीचे का कपड़ा अलग है हमारा से, एक साइड से कपड़ा फोल्ड करना है। देखिए ये कपड़ा मैंने अलग उठा रखा है, और इसको मैं इस साइड तक फोल्ड करूंगी यहां तक। देखिए जो कपड़ा फोल्ड किया था पहले, अब अच्छे से हम इसके कोने बना लेंगे। उस साइड से भी बनाएंगे देखिए, यहां से भी। अब ये हमारा जो ज्यादा कपड़ा है इसको हम कट करके थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखेंगे बस। अब देखिए हम इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और सीधा करके देखिए एक सिलाई लगा लेंगे पहले हम बुकरम के ऊपर, ताकि गला सेट रहे। फिर बुकरम के ऊपर ऐसे बराबर करते हुए यहाँ पे लगाएंगे सिलाई को, बिल्कुल बराबर बराबर करते हुए।
सिलाई को हम पूरे में लगा लेंगे। अब देखिए मैंने कॉलर को सिल लिया है। अब उसके बाद देखिए हम इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। इसको हम ऐसे बराबर करेंगे कॉलर को, और देखिए यहाँ पे इसके बीच सेंटर में इस तरीके से चौक से निशान लगा लेंगे। और ऐसे ही निशान हम कुर्ती में भी लगाएंगे, कुर्ती का भी सेंटर निकालेंगे। देखिए इस तरीके से इसको बराबर करके तीरा से तीरा मिलाना है ऐसे, और यहाँ पे भी हम चौक से निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब देखिए हम कॉलर को लगाना चालू करेंगे, तो हम आधी आधी साइड इस तरीके से नाप लेंगे। पहले देखिए जो हमने ये निशान लगाया था यहाँ से, इसको हम ऐसे रखेंगे। तो पहले हम आधी साइड में लगाएंगे, फिर हम ये सीधी साइड से कॉलर को लगाना चालू करना है हमको। और कपड़ों को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, ना ही तो कॉलर के कपड़े को ना ही इसको। अब देखिए मैं इसको, ये देखिए हमारा ये बिल्कुल सही आया है। अब इस नोक को इस तरीके से मिला देंगे, और मैं दूसरी साइड से भी ऐसे ही लगाऊंगी। अब देखिए जो हमारी आधी साइड बची थी उसमें भी हम इस तरीके से लगा लेंगे। देखिए ये भी हमारा सही आया इस साइड। अब देखिए कॉलर लगने के बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम देखिए इस तरीके से अंदर डाल के और एक सिलाई लगाएंगे। पूरा कपड़ा हम इस तरीके से देखिए अंदर डालेंगे, और सिलाई को हमें उस पे ही चलाना है जो हमारी ये पहली सिलाई है, नीचे नहीं लगाना है बिल्कुल भी। अब देखिए ये कॉलर मेरा लग के तैयार हो चुका है। देखिए इस तरीके से आया है बनने के बाद में। अब देखिए मैं आपको इसमें लेस लगाना बताऊंगी। ये हम इसमें ये गोल्डन लेस लगाएंगे। तो देखिए जो हमारा ये सेंटर है, ये हम सेंटर से ही लगाना चालू करेंगे। तो देखिए लेस का मुंह हम ऊपर की साइड रखेंगे इस तरीके से, ये नग वाले साइड हम ऊपर रखेंगे। और देखिए थोड़ा सा कपड़ा हम इसमें से लेंगे इस तरीके से रखने के बाद। इससे लंबी लंबी टांके लगानी है इसमें। और इसको देखिए हम गुलाई तक ही लगाएंगे। ये देखिए ये हमने इतनी साइड लगा ली है कि हम यहाँ से लगाते हुए लाएं। और देखिए यहाँ पे हम बाद में सिलाई लगा लेंगे, या फिर ये वैसे भी गर्दन के भीतर आ जाएगा, बाहर से हमारा यही दिखेगा। बाकी हम जो हमारा धागा दिख रहा है इसको हम ढक देंगे अच्छे से। और देखिए इसी तरीके से हम ये कॉलर पूरे कॉलर पे लगाएंगे। ये गुलाई से लानी है, मैं लगाना बताऊंगी फिर से आपको।
देखिए गुलाई की साइड से ये आप ही मुड़ जाती है लेस। अगर आपके पास ऐसी लेस नहीं है तो आप ऐसे भी सिंपल भी रख सकती हैं, सिंपल भी अच्छा लगता है ये, और या फिर कोई मोती वगैरह भी लगा सकती हैं। ये कपड़ा जो हमारा ये कपड़ा है ये अंदर की साइड होना चाहिए, लेस हमारी मोती हमारे बाहर होने चाहिए और ये जार्ज पूरा कपड़ा हमारा बाहर अंदर होना चाहिए। देखिए इस तरीके से ऐसे ही गुलाई में करते हुए उल्टी साइड रखनी है, ये हमें लेस को उल्टी साइड रख के तब लेके चलना है। अब देखिए जैसे यहाँ से कोना आया है तो कोने पे से हम बताएंगे आपको किस तरीके से लेनी है। देखिए जैसे यहाँ पे ये कोना है तो हम ऐसे लेके जाएंगे लेस को, इस तरीके से, और फिर हम इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरीके से, तो देखिए ये कोने पे से हमारी सेट आ जाएगी। थोड़ा सा लेस का ही कोना हमको सेट करना है। अब देखिए हम इसी तरीके से अपनी पूरी लेस को लगा के कंप्लीट कर लेंगे।